पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल से डर गए मोदी जी, इसीलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल। नहीं नहीं कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल डर गए हैं और हमारे माननीय मोदी जी ने, वो तो बब्बर शेर है, वो तो सबके दिलों में राज करते हैं। वो सिंह की तरह दहाड़ के काम कर, हर काम दहाड़ते हुए कर रहे हैं, हर काम वो दहाड़ते हुए कर रहे हैं। उखाड़ फेंकेगा मोदी जी? नहीं नहीं, गठबंधन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो जितने गठबंधन वो सब साइड हो जाएंगे, हमारे मोदी जी जो है वो सब फ्रंट में आएंगे, सबके सामने उभर के आएंगे। राहुल गांधी के चुप्पी पे क्या बोलेंगे? गांधी कुछ नहीं बोलते, राहुल गांधी मेरे लिए स्टूपिड इंसान है इस दुनिया के सबसे बड़े। राहुल गांधी को यही नहीं पता कि कुछ हो क्या रहा है देश में, उनको यही नहीं पता। और वो यहाँ पे रहते क्यों है हमें तो यही नहीं पता, सच में वो पप्पू ही है। और मैं चाहती हूँ ये वीडियो उन तक जाए कि वो पप्पू ही है। नमस्कार। आजकल के बच्चे लव बात कर रहे हैं स्कूल में, मुस्लिम पटा रहा है कोई, ये पटा रहा है कोई, लड़के लड़कियां बाजी में, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, इन सब की भी उम्र आती है। राम जी ने इतनी मेहनत की है, वनवास में भी गए, 14 साल का उन्होंने वनवास किया, संकोच नहीं किया। अरे यार इतने बड़े महल में महल छोड़ के जाना पड़ रहा है, उन्होंने ये नहीं सोचा, वो गए, उनके पिता ने उनको आज्ञा दी थी कि जा बेटा, तो वो गए बिना संकोच किए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसे धर्म, हमारा जो धर्म है बहुत कुछ सिखाता है, भाईचारा भी सिखाता है हमारा धर्म, और अगर कोई गलत कर रहा है उस पर तलवार उठाना भी सिखाता है हमारा धर्म। वाह 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 वाह। आप क्या मानते, क्या ऐसे कारक रहे कि हम और आप जो है यहाँ लाल चौक के ठीक सामने घंटाघर के ठीक सामने आके बातचीत कर, आपको ये घंटाघर है ठीक है, इससे पहले इस घंटाघर पर 3-4 साल पहले हमेशा फोर्सली बाई फोर्स चढ़ाया करता था पाकिस्तान का झंडा, और कश्मीरियों को ये बताया जा रहा था कि कल बनेगा यहाँ पर कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है कल आपको आज़ादी मिलेगी। हमें आज़ादी मिलनी चाहिए खून रेजियों से, हमारे बच्चों को यहाँ पर वायलेशंस इतनी पाकिस्तान कर रहे थे कि हमारे बच्चों को स्टोन पेल्टर्स बनाए जा रहे थे, हमारे बच्चों के हाथों में गन थमा दिए जा रहे थे। आजकल के डेट में देखो 3-4 साल से पहले, 3-4 साल से लेके अभी तक यहाँ के बच्चों का वो दिमाग तो नहीं रहा, इनकी मेंटेलिटी तो चेंज हुई है ना। बोल रहे हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है देश के अंदर, राहुल गांधी बोल रहे थे मोदी मैजिक को खत्म करके और इस बार कांग्रेस बनाएगी हर राज्य में, उनकी ऐसी की तैसी लग रहा है मोदी मैजिक खत्म करने के जो दावा किया जा रहा था उसकी हवा निकली आज। मोदी मैजिक है तो मैजिक तो कभी खत्म नहीं होता, मैजिक चलता रहेगा, हमेशा चलेगा, जब तक रहेगा तब तक चलता रहेगा, और हम जैसे लोग रहेंगे तो मैजिक का एम जो है वो हमेशा रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बोला था कि हिंदू धर्म नहीं है, वो धोखा है, वो धंधा है, पहले वो इस पे भी कटाक्ष किया गया हिंदू धर्म ने तो इतनी चीजें सही है, आप सोचो ये तो धोखा है चला हुआ, ये तो बहुत दूर की बात, खत्म कर देना चाहिए कीड़े मकोड़ों की तरह, मतलब क्या आप नहीं बोलते हो, और आपको अंदाजा भी है सनातन धर्म का, ना तो इसकी कोई शुरुआत पता ना इसका कोई अंत है, जिस धर्म से सारे धर्म निकले उस धर्म को ही आप इतना बुरा बोल रहे हो, उनकी ऐसी की तैसी। कैसे रहे आपकी 9 साल मोदी जी के? बहुत अच्छे, उत्तम से भी अति उत्तम। क्या लगता है जो मंदिर अभी जितनी भव्यता रूप में आपको दिख रही है, कोई और सरकार रहती तो इतनी भव्य दिखती? ना बिल्कुल ना, नहीं ना, बनने की उम्मीद थी, बनने की ही नहीं उम्मीद थी, और ये भव्यता तो बात की दूर की बात है, इतने सालों में ना जो काम हो पाया वो मोदी सरकार योगी सरकार ने कर दिया है, इसके लिए हम लोग प्रदेशवासी ही नहीं पूरा भारतवर्ष उनका आभारी है, बहुत बहुत आभारी है। बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा और व्यवस्था देने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, अगर भ्रष्टाचार चाहिए तो ही बीजेपी या कांग्रेस को चुनना, ये बात कह रहा है अरविंद। नहीं नहीं कांग्रेस, अगर भ्रष्टाचार इतने 10 साल से वो सत्ता में है, क्या दिल्ली में विकास दिख रहा है आपको? आज भी जाम था, हम आए आज भी जाम है, आज भी अस्पतालों की वो स्थिति है, स्कूलों की स्थिति है, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई रोजगार नहीं बढ़ा, कितने को लेटर मिला है दिल्ली सरकार में, कितने को नौकरी मिली है, तो ये सब झूठ है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए, जाके डूब के मर जाइयो कहीं। वो तो कह रहे कि 2024 पर हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी को बोरिया बिस्तर लेके घर जाना। मैम ये तो वक्त बताएगा कि पता लगा राहुल गांधी को अपनी नानी के घर जाना पड़ा। इडली
इटली जाना, वो तो कह रहे कि हमारे रग रग में राजनीति दौड़ रही है, रग रग में उनकी तो फैमिली की, उनकी रग रग में राजनीति नहीं दौड़ रही, उनकी रग रग में उनका खानदान दौड़ रहा है बस। डूब मरो कांग्रेस यो, उनकी ऐसी की तैसी। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। वाह, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।